शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। आपके जीवन का ये इतना इंपॉर्टेंट दिन है, जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज तक जो आपके जीवन में नेगेटिविटी, नाकामयाबी, बुरी आदतें, आलस्यपन, लोग आपसे चिढ़ते हैं, किसी भी तरह की दुश्मनी, रुकावटें, निराशा, ये सब कुछ आज आपकी बॉडी से निकलकर जैसे गर्म चाय के अंदर से भाप निकलती है, आपके शरीर से ये तमाम कमियां उड़ती जा रही हैं और यहां कुफरी की वादियों के अंदर रुक जाएंगे। एक पवित्रता आपकी बॉडी के अंदर आ रही है। आज इस कायनात की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आप पे मेहरबान है। आज आपको वो अमृत मिलने वाला है जिसे पीकर आप अपनी जिंदगी के अंदर सदैव कामयाब रहेंगे। फील कीजिए कि अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। फील कीजिए कि अब आप कामयाब हो रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप भी डायमंड बन रहे हैं। फील कीजिए जैसे एक स्टेडियम है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है यूनियन का और आप सब डायमंड बन गए हैं। आपका वर्ल्ड क्लास ड्रेसिंग सेंस, आप लोगों के लिए स्पेशल एयर के टिकट भेजे गए हैं। जब एयर के टिकट और इनविटेशन लेटर आपको मिलता है, आप अपने पूरे परिवार को दिखाते हैं, देखिए मैं डायमंड बना हूं और कंपनी की तरफ से हवाई जहाज में बैठ के जाऊंगा दिल्ली। जब आप जाते हैं आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलता है।
आपके लिए एक स्पेशल रूम होता है जहां पर तमाम तरह की डिशेज होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बाकी सारी भीड़ स्टेडियम में वेट कर रही है, भरा हुआ है, बहुत भीड़ है, शोरगुल हो रहा है और आप सब लोग ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं। आपका मेकअप किया जा रहा है, आपकी ड्रेस ठीक की जा रही है और फिर एक एक करके आप लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपका इन्विटेशन हो रहा है और जैसे ही आप स्टेडियम से बाहर निकलते हैं आप देखते हैं कि पूरे स्टेडियम में अंधेरा छाया हुआ है। लोग चिल्लाने लगे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और ऊपर से एक दिव्य शक्ति आपके ऊपर रोशनी डाल रही है। फील कीजिए एक रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, आपके अंदर पावर आ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। ये तमाम पॉजिटिवनेस आपके हाथ में जो ग्लास है उसके अंदर भरता जा रहा है। ये वो अमृत है जो साक्षात भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, ईश्वर ने आपके इस ग्लास के अंदर डाल दिया है। फील कीजिए कि अब जैसे आप स्टेडियम से बाहर निकलते हैं लोग चिल्ला रहे हैं, तालियां बज रही हैं, हजारों लाखों लोग अपना मोबाइल उठाकर आपकी स्नैप्स ले रहे हैं और आपके ऊपर गुलाब की पंखड़ियां गिर रही हैं। आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हो आपकी पंखड़ियां गालों पे डलती हैं, कानों पे डलती हैं और अपने हाथ से आप धीरे धीरे उन पंखड़ियों को हटा रहे हैं। फील कीजिए जैसे आप थोड़ा आगे जाते हैं लोग आपको छू कर देखना चाहते हैं। महसूस कीजिए थोड़ा सा आगे जाते हैं आपको वो लोगों के चेहरे नजर आते हैं जो लोग आपकी हंसी उड़ा देते हैं। देखिए आज कैसे शांत से उनका सब झगड़ा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कुछ दोस्त जो हर्षोल्लास हो रहे हैं वो फील कर रहे हैं कि मेरा दोस्त कितना कामयाब है। उससे थोड़ा और आगे आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं अपने फैमिली के रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, उनमें से कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं काश हम भी इनके साथ जुड़ते। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपके माता पिता का चेहरा आपको नजर आता है। वो देखिए उनके चेहरे पे वो कितने खुश हो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों से सिर्फ इस बात के आंसू निकल रहे हैं कि मैंने ऐसी बेटी और ऐसे बेटे को जन्म दिया है। आप देखिए अपने पति को जो देख रहा है कि हर इंसान की बीवी ऐसी होनी चाहिए। आप देखिए अपनी बीवी को, वो महसूस कर रही है कि इससे अच्छा कोई भी हस्बैंड मेरा नहीं हो सकता। जब आप और आगे जाते हैं अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। महसूस कीजिए गुलाब की पंखड़ियां अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं। आपके पैरों के नीचे उन गुलाब की पंखड़ियों का गद्दा सा बनता जा रहा है। फील कीजिए लोग फोटो लेना चाह रहे हैं आपका, लाइव फेसबुक पे चल रहे हो आप। फील सुनाई दे रही गड़गड़ाहट तालियों की। फील एक लंबी सांस लीजिए, धीरे 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 अपनी आईज हाथों पर रगड़िए आपस में और आईज पे लगाइए प्लीज। ओपन योर आईज, सो हाउ वाज द जर्नी, कोई शेयर करना चाहेगा यहां पर आके? पांच मिनट के अंदर इतना खुश मिला, जो दो दिन में हमने ट्रेनिंग किया, सारे चीज किया, वो सारे जो हम नॉलेज लिया आज वो सारे चीज हमें मिल गया और फीलिंग इतना अच्छा हुआ कि मुझे पता चल रहा था कि रियल में सर की बातें मेरे लाइफ में वो सारे चीज, सारे खुशियां, सारे फैसिलिटीज आने वाली है और 100% आएगी। हर मोड़ पर इम्तिहान लिया है जिंदगी ने, हर मोड़ रुसवा किया है जिंदगी ने। इस जिंदगी के रुसवा करूं भी तो कैसे, यूनी आयुष जैसी फैमिली दी है जिंदगी। दोस्तों ये मेरी थर्ड पीएलटी है और हर पीएलटी अलग अलग होती है हर बार, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, यूनी आयुष से अच्छा प्लेटफॉर्म और सर जी से अच्छा टीचर हमें नहीं मिल सकता। तो हम आपको कोशिश करनी है कि कोई भी पीएलटी हम मिस ना करें, कि इन्होंने हमें ऐसी जिंदगी दी है कि
11 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद, एक अच्छी लाइफ जीने के बाद भी हमें वो ज्ञान नहीं था जो इन्होंने 3 महीने में करा दिया है। सो थैंक यू मनोज जी। तो हम जब फिलिंग कर रहे थे तो जो मेरे आंसू के साथ सारा दुख सारे कष्ट सारा निकल गया है, बिल्कुल फ्रेश कर दिया मुझे। आज मुझे ऐसा लगा कि लगभग मैं 12-13 साल से नेटवर्किंग में हूँ, लेकिन नेटवर्किंग में हूँ, बहुत सारे ऐसे मीटिंगें अटेंड किए, लेकिन ऐसा फीलिंग कभी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे बोलता है, अगर अग्नि पे राख जम जाता है तो अग्नि भी फीके पड़ जाते हैं। जैसे शीशे पे धूल जम जाते हैं तो वो शीशे भी फीके पड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारे जिंदगी में बहुत सारे धूल जमे हुए थे, जो मैं वो धूल साफ करवाने के लिए लगभग 12 साल से मैं इस 12 साल से मैं चाह रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मैं मेरा धूल कहीं साफ हो जाए, लेकिन मैं तलाश करते जा रहा था लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं पहले बार आया और मनोज सर ने हम लोगों को धूल साफ कर दिया और राख साफ कर दिया, हम चमकने लग रहे हैं। मेरा नाम रुखसाना है, मैं यहाँ, वैसे तो मैं कभी बाहर नहीं निकली और कभी कहीं भी नहीं गई, पर आप सबकी दुआओं से, मम्मी की दुआओं से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मान सम्मान भी बहुत मिला और सबका साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं भी फर्स्ट बार आई हूँ, पहले कभी नहीं गए, तो यहाँ जो देख रहे हैं, जो सीखने को मिल रही है बहुत ही अच्छा है। हमने और भी कई काम करे हैं, फ्रेंड फूड विलेज में काम कर चुकी हूँ और भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जो यहाँ दिखाई दे रही है ये हमें कहीं नहीं मिला और ऐसा मालिक हमने कहीं नहीं देखा। हाँ, और भी जगह देखे, कैसे गुड मॉर्निंग नमस्ते इतना कह के चल जाते थे, और यहाँ तो पूरी लाइफ तक बदलने के लिए कसम खा चुके हैं हमारी MD साहब ने। लर्न लाइक ए टीचर एंड टीच लाइक ए लीडर। यहाँ पर जो सर का सिखाने का जो तरीका है वो इतना बेहतरीन है, बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड। आपने देखा होगा एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं, लर्निंग और पॉजिटिव, राइट। एक एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड वाला भी होता है। मैं जो यहाँ पर आया BLTW, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, और यहाँ पर जो मैंने देखा, मैंने एक विश्वास देखा इस कंपनी में आने के बाद। जब मैंने कंपनी को समझा तो मैंने एक विश्वास देखा, वो विश्वास कैसा देखा कि एक जो छोटा बच्चा होता है ना 6 महीने का, माँ उसको उछालती है हवा में तो बच्चा मुस्कुराता है ना, यस एंड नो, वो बच्चा मुस्कुराता है, उसे मालूम है कि माँ मेरे को गोदी में ले लेगी, मुझे गिरने नहीं देगी। तो वो जो बच्चा है ना वो कौन है, वो इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। वो माँ कौन है, वो हमारी कंपनी के चेयरमैन है, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है, हमारी कंपनी का सिस्टम है। ये मैंने विश्वास देखा। देखिए, रिलेशन कौन सा भी, चाहे वो रिलेशन भाई बहन का हो, एक गुरु का हो या फिर परमात्मा का हो, भक्त का हो, उस रिलेशन को मजबूत करने के लिए है ना एक विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जहां पर विश्वास होता है वहां पर रिलेशन होता है, जहां पर विश्वास मजबूत नहीं है वहां पर रिलेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। आप सहमत हैं मेरे साथ? मुझे जो मिर्जा गालिब है उनकी बात अक्सर याद आती है कि ता उम्र मैं एक ही खता करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी मगर आईना साफ करता रहा। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं शुरू से ही, छोटे से ही मेरा स्टाइल ऐसा रहा है लोगों को सिखाने का, लोगों को ज्ञान बांटने का, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कौन क्या सिखाएगा। लेकिन वो होता है ना, अपने आप को अगर खाली करेंगे तो बहुत कुछ आ सकता है। मैं सर के पास आया, मैंने देखा कि सर सिखाने
वाकई में सर के पास बहुत अपना एक अनुभव है, जीवन का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आके जो मैंने देखा, जो सीखा, जो समझा, मुझे ऐसा लगा कि एक 10 साल की जो मेरी तपस्या थी, उस तपस्या के बाद मुझे मनोसर जैसे एक शख्सियत मिली। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर बस मैं एक विश्वास लेके जा रहा हूँ, विश्वास जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। थैंक यू सो मच। सर ने एक बात बोली थी, जो शख्स 10 बीएलटी कर लेगा तो वो हो सकता है कि वो उस सीट पे होगा, डायमंड वाली। थैंक यू सर। मुझे नहीं पता था कि इससे बेहतर ट्रेनिंग कभी मिलेगी मुझे। मैं आज, वैसे तो मैं बोलता जरूर हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे इस 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने पहले भी महसूस किया है कि शायद जब मैं बस में अभी आ रहा था तो मैंने बताया मुझे मेरे कृष्ण मिले, और इस 5 मिनट के अंदर जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे 5 मिनट के अंदर मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हुआ, और मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा भविष्य दिख रहा था वहाँ पर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई साल से हूँ, बट मुझे ऐसा गुरु, ऐसा कोच और मेरी कमियों को बताने वाला कोई नहीं मिला। दोस्तों, मैं ये सोचकर इस बिजनेस को कर रहा था कि 2-4 पैसे आ जाएंगे, घर के कुछ खर्चे चलेंगे, लेकिन इस 5 मिनट के अंदर आज जो मैंने महसूस किया, जो मुझे मिला, और अपने कृष्ण का दर्शन मिलने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं 2-4 पैसे के लिए नहीं, मैं एज ए कैरियर इस बिजनेस को करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैंने 2 दिन के अंदर जो पाया, वो इन 2 दिन से पहले अपने कैरियर में कभी नहीं पाया। जो मैंने 2 दिन में सीखा, सबसे पहले एक इंसान को हेल्थ देना, इंसान का जीवन बचाना। मैं थैंक करना चाहूँगा यूनियन परिवार का, मनोज सर जी का, जो आज हमें यहाँ तक लेके आया है, हमें जो मान सम्मान इस 2 दिन में मिला है, इससे पहले अपनी लाइफ में हमने कभी नहीं देखा है। ये 2 दिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने यही सीखा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिली थी यहाँ आने के लिए। तो मैं जो अभी मेडिटेशन जो सर करवाएं, तो मैंने यही फील किया कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, और सक्सेस में मेरे जितने भी फैमिली वाले हैं सब खुश हो रहे हैं। और जो आई, मतलब इससे पहले दिन जो ट्रेनिंग हुआ, उससे मैं यही, मतलब मेरे अंदर एनर्जी आ गया कि मैं भी जो डायमंड बैठे हुए हैं, कि मैं भी जल्द से जल्द मैं इनके जैसे मतलब बनूंगा, मतलब वो एनर्जी मेरे अंदर आई है। इस ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा कि कैसे माइक पकड़ा जाता है, कैसे लोगों के साथ बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, वो सब मैंने देखा। और मैं बहुत पहले घबराता था, अभी वो मेरे में बहुत ज़्यादा फर्क हुआ कि मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। गुप्ता जी प्लीज, क्या आप मेरी उम्र बता सकते हैं, मेरी कितनी एज है? ठीक है, बैठ जाइए। इन्होंने कहा मेरी उम्र 20 प्लस है, जबकि मैं 1 महीने तक 19 का हो जाऊंगा। और मैंने जहां अगर जे दिखाए, मैं पहली BLTW ट्रेनिंग में आया हूं और मैं प्रेसिडेंट हूं। क्या बात है। जबकि 12वीं पास स्टूडेंट अपने फ्यूचर को सोचते हैं, हम क्या करेंगे, हम इतने साल कोर्स कर 8 साल कोर्स कर हमें एक नई जॉब लगेंगे। तो जो जॉब लगते हैं वो उनकी 5,000 या 8,000 से शुरू होती है, और उसके बाद कई साल वो मेहनत करके फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि वो अपनी फैमिली को खुश रह सकें, पैसा अच्छा कमा सके, गाड़ियों में घूम सकें। और मैंने जहाँ कर ये पाया है, कभी भी किसी को कम मत समझिए। और जे भाई साहब हैं, इनको भी पेंचर की दुकान है, कभी अगर हम चाहें तो किसी कंपनी पे इंटरव्यू देने जाएं कि सर हमने जॉब लेनी है, हम जे काम कर रहे हैं, तो वो हमको कहोगे चल भाग जहाँ से, तू तो पेंचर वाला है, तेरे को क्या आएगा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मैंने जहाँ जे पाया है, कभी किसी को कम मत समझो, कभी भी भेदभाव में मत रहो। मैंने जहाँ यही देखा है, बहुत अलग अलग स्टेट से बहुत अच्छे आए हैं स्टूडेंट्स, और काफ़ी
डॉक्टर आए हैं और वो काफ़ी सब आए हैं, और उन्होंने कईयों में घमंड होता है कि ये भाई बिहारी है, ये क्या कर सकता है, हम तो इतने बड़े परिवार से हैं, एजुकेशन लोग हैं, हम तो बहुत आगे तक जाएंगे, ये तो बहुत नीचे रहेगा, इनको तो खाना भी नहीं आता। और अब आप देख सकते हैं ये साहब बिहार से हैं और डायमंड बने हैं, सेकंड डायमंड, अरे बिहारी बैठे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो किसी को कभी भी कम मत समझो, अपने से ऊपर समझो, कुछ पाओ उनसे सीखो जो बने हैं, गलत फैमिली में मत रहो। थैंक्स। नाम सुनील कुमार, यहाँ से 2-3 की मीटिंग में हमने सीखा है कि एक हौसला, जो हौसला मिलता है, जिस हौसले के सहारे इंसान ऊपर की ऊंचाइयों को छूता है, उसने वो चीज़ हमने यहाँ सीखा है। और एक अच्छे संस्कार और एक अच्छे डिसिप्लिन में रहना और अच्छे लोगों के साथ रहना और अच्छे अपनी जो ज़िंदगी है, अच्छे लाइफ स्टाइल में जीना, किस तरह अपने ज़िंदगी को अच्छे लाइफ स्टाइल में जी सकते हो, वो सब चीज़ हमने यहाँ से सीखा है दोस्तों। थैंक यू। वेरी गुड सुनील। पिछले 2-3 से मैं यहाँ आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट सेमिनार था। अभी मैंने BLDW में बहुत कुछ सीखा है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ बेसिकली जो अपने आप पहले मैं बहुत डरता था कि मैं इतने लोगों के बीच कैसे बोल पाऊँगा और घबराता था, लेकिन वो मेरा स्टेज फियर अब थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करते हैं और लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, 1-2 दिन में मैंने सब कुछ सीखा है और आगे भी मैं ये सीखना चाहता हूँ। और मैं अभी यहाँ से जाके गुजरात जाऊँगा तो मैं अभी 10-15 लोगों के बीच तो आराम से बोल ही पाऊँगा और दूसरे लोगों को मैं कुछ ना कुछ समझा पाऊँगा अपने हिसाब से। जब मेडिटेशन होता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ पे जो हम संस्कार सीखते हैं, जो व्यवहार सीखते हैं, जो बात करने का तरीका सीखते हैं, अगर हर घर में ये चीज़ चली जाए ना तो सच में भारत जो सोने की चिड़िया थी दोबारा सोने की चिड़िया हो जाएगी और एक भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पे हर कोई लोग किसी से बात करना चाहेगा और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेगा। तो जब मैं यूनियर अटेंड किया था पहली बार तो बहुत लोगों ने मुझे बोला मत करो, ये नेटवर्किंग का काम अच्छा नहीं है, तो मैंने उनको नहीं सुना, ज्वाइन किया और मैं यहाँ पे आई। बट यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन 2 दिन में एंड आज, और मैं थैंकफुल हूँ मनु सर के लिए, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत डिसिप्लिन सिखाए जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा पहला BLTW है, मुझे ये पता नहीं था जो BLTW का ट्रेनिंग ऐसा मिलता है, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा था, ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन, ऐसा रहने का, ऐसा कपड़ा पहनने का, खाने का, सारा चीज़ का ट्रेनिंग सर ने दिया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा करने का मौका भी मिला। थैंक यू सर ने 2-3 दिन का ये सेशन था और बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखे हैं। और बात है कि क्या सिखाया नहीं सिखाया, हम कितना सीख सकते हैं, ये अपनी अंदर की आत्मा है कि हमें कितना दिया, कितना हम निकाल देंगे और कितना रखेंगे, कितना सीखे हैं, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। और इससे पहले मैं कुछ भी नहीं सीख पाया था, लेकिन जो यहाँ 3 दिन के अंदर सीखा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखते हैं। मैंने यहाँ आज देखा कि हम घर में रोज़ 15-20 मिनट पाठ पूजा करते हैं, लेकिन 15-20 मिनट में भी हम वो नहीं सीख पाते जो हमें यहाँ 5 मिनट में मिलता है। BLTW का 3rd दिन और मेरी ज्वाइनिंग का 4th दिन, और आज मुझे लगता है कि मुझे सब पता है। आई फील सो कॉन्फिडेंट कि मैं किसी के सामने भी कोई भी जाके अच्छी तरह से सारी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मनोज सर फॉर पुटिंग इन दैट कॉन्फिडेंस, मेरे फर्स्ट टाइम ब्लूज, मेरे चिल्स को सब बाहर निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल्सो सभी लोगों को थैंक यू इतने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में भी इतनी वार्मथ लाने के लिए। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं पहली बार किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जो सर ने अभी मेडिटेशन कराया था उसमें मैंने अपने आप के एक शील्ड बना लिया साइड से कि अभी बाहर की नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं अंदर आने देनी, और जो यहाँ से मैंने सीखा है वो सारा अपने अंदर डाल करके उसमें वर्क करना है। और ये मेरी 3री BLTW है, हर बार हर ट्रेनिंग में हर BLTW में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है,